आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल करके कांग्रेस में शामिल हुए, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों के कॉर्पोरेशन की मेयर साहिबा तायरा शेख रशीद, वार्ड नंबर 2 के कारपोरेटर हमारे विठल बरवे साहब, जब्बार मेंबर साहब अकील अंसारी, शफी गार्गन अभी कांग्रेस में शामिल हुए थे, हमारे शब्बीर भाई, हमारे किराना वाले इस्माइल भाई साहब, मेहमूद शाह साहब, जेनू पठान साहब, हमारे कांजी वाले कांडी वाले अंसारी साहब, अयुब भाई ग्यारिज वाले हमारे खान साहब, सब लोग हमारे पार्टी के मानने वाले और मेरे चाहने वाले, सभी ऐसे साथी अरुण भाई और इस प्रोग्राम में आए हुए सभी नौजवान बुजुर्गों दोस्तों साथियों और गलियों में जो बैठी हुई मेरी माँ और बहने, पूरे शहर में आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि अभी इलेक्शन आ गया, क्योंकि हमारी 1.5 महीने के बाद में महापौर का चुनाव था, वो हो गया, उसके 1.5-2 महीना नहीं गुजरा, मार्चों के 22 मार्चों के 1 साल पूरा हो जाएगा, महामारी आई, लॉकडाउन लग गया, खाली मालेगांव शहर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर पूरा वर्ल्ड परेशान हो गया, और मुलाकातें हमारी कम हो गई, संपर्क टूट गया था ऐसा बोलना चाहिए, और वो दौर भी मालेगांव शहर ने देखा महामारी में कि अगर एक पेशेंट निकल जाता तो बाजू वाला घबरा जाता था, गली वाले घबरा जाते, माहौल इस तरीके से बना हुआ था, हॉस्पिटल बंद हो गए थे, छोटे जितने भी क्लिनिक थे वो बंद थे, खाली गवर्नमेंट ने जो जो दवाखानों को मंजूरी दी थी वो दवाखानों के अंदर इलाज होता है, लेकिन इतना माहौल खराब हो गया था, कोरोना तो रहेगा ना किनारे, जो लोगों को डायबिटीज थी, जिसको ब्लड प्रेशर था, अगर उसको कोरोना की थोड़ी भी शनाख्त तो हो गई तो दवाखानों के अंदर असल में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के इलाज नहीं हो रहा था, वो दवाई लोगों को नहीं मिली, और जिन लोगों की उस वक्त तो अल्लाह ने मौत लिखी हुई थी वो लोग हमसे बिछड़ गए, हमसे हमको छोड़ के अल्लाह से जा मिले, अल्लाह हम सब की मगफरत फरमाए, ऐसा दौर पूरे हिंदुस्तान में गुजरा, लेकिन हम खुशनसीब है मालेगांव वाले कि सबसे पहले कारोबार भी हमारे ही शुरू हुआ, और सबसे पहले बदनामी भी हमारी हुई पूरे हिंदुस्तान में और जमातियों की, लेकिन उतनी ही तारीफ भी मालेगांव शहरियों की हुई, क्योंकि अल्लाह के करम से हम लोगों के शहर की वजह से कोरोना का, कल जो हमारे ग्रामीण के आउटर के लोग बोलते थे मालेगांव वालों को आने मत दो, हमारे खासदार बोलते थे मालेगांव करमला धुड़े भाई उनका, जब हमारे हम वतन भाइयों ने हिंदू भाइयों ने आवाज उठाया
तो नहीं म्हणे मी मध्येच्या लोकांना सांगितलं होतं, हॉटेलवाल्याला नाही सांगितलं होतं, तुम्ही या। कहने का मतलब इस तरीके का माहौल बना हुआ और इसीलिए हम लोग के अंदर पूरे शहर के अंदर हमारे चाहने वालों में, कार्यकर्ताओं में, पार्टी के मानने वालों में वक्त तो लग गया और इसलिए अब पूरी तरह से पूरी बीमारी खत्म हुई पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में। भारत थोड़ी बहुत है उसके असरात अभी भी महाराष्ट्र में भी, लेकिन क्योंकि अब लोगों के अंदर संपर्क बढ़ना चाहिए, लोगों से मुलाकातें होना, तो ऐसा नहीं है। हमारी बिरादरी है कि कलमा हो, हमारी बिरादरी क्या है, जो मोमिन है वो कलमा तो है, बस यही बिरादरी है। ये हमको जानबूझ करके क्या किया जाता, इस्तेमाल करने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, अगर बोले अपने वाले चल इधर ही वोट दे दे कहा लगाए, उसके लिए 5 साल तक अपने को भुगतान भुगतना पड़ता है और काम नहीं होता। अब ये देखना कौन काम करने वाला अपना है उसको वोट देने का, ये बंद होना चाहिए शहर में, ये भी जाके शहर डेवलप हो। इसके बाद में 14 महीने के बाद अप्रैल के अंदर इलेक्शन जरूर होगा, पिछला इलेक्शन भी अप्रैल में हुआ था, मई में, मान के चलो 13-14 महीना है, 1 साल के बाद इलेक्शन रहेगा, उसकी शुरुआत बोलो या मिलना जुलना बोलो हमने उसकी कर चुके। लेकिन मेरे बहुत सारे साथियों ने, सभी कारगर ने बोला, महमूद शाह साहब ने बोले, दीगर लोगों ने बोला कि आप लोगों ने पिछली टाइम में 2012 में 4 ही मेंबर थे पूरे इलाके में, जो आज 3 नंबर और 2 नंबर है, तो 2 में 2 ही थे, 3 में 2 ही थे। कहने का मतलब पूरा एक ही वार्ड बना था, मेरा सिंगल वार्ड था, सिंगल नहीं डबल का था, इसके लिए 4 ही मेंबर थे, नहीं नहीं पूरे दयाने में देवी के मंदिर तक 4 ही मेंबर थे, लेकिन इस मतलब 8 है, तो इंशाल्लाह जरूर मैं महापौर साहब कोशिश करेंगे हमारे 2 मेंबर और बाकी हम जवाबदारी निभाएंगे, 3 नंबर के अंदर पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग से मैं चाहूंगा कि आने वाले 1 साल के बाद में गलती मत करना, ये दोहराना मत, और नहीं तो गलती से मेजॉरिटी मिल गई और लॉस हुआ तो काम लेके आना मत। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हम आए हुए तमामी मेहमानों का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने दावतनामा पर आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, सफी कारगर नकीर अंसारी और तमाम ही लोगों की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ से और रास्ता बनाए, अब की बार 40 साल का जो नारा